खबर जनपद चमोली से है, जहां भोटिया जनजाति के सीमांत गांवों में भोटिया जनजाति की बोली भाषा में पहली बार मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत ही माइग्रेटेड मतदाताओं को शीतकालीन निवास स्थल के समीप ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए 40 बूथ चिन्हित किए गए हैं। स्वीप चमोली के माध्यम से माइग्रेटेड मतदाताओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोटिया जनजाति की बोली भाषा में माइग्रेट मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव-गांव में जनजाति की महिलाओं को टोलियां भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और जो आजकल चुनाव के उसमें हम लोग बहुत उत्सुकता है कि चुनाव 5 साल बाद चुनाव जो हो रहा है, और सभी लोग हमारे क्षेत्र के, हमारे इस गांव के लोग सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि मतलब अच्छा सांसद आए, और जिससे हमें हर चीज़ का मतलब हमें सुविधा मिले, इसलिए मतलब सब प्रचार पे लगे हुए हैं।